कहता तू खुलवाओ। दुआ पढ़ ले। सुब्हानल्लाही सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून आइबून ताइबून आबिदून लिरब्बिना हामिदून। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मैं समझा कहना है कोई नहीं है, तुमने पूछा कि है कोई नहीं है। क़लमतु नफ़्सी फ़ग़्फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़्फ़िरुद्दुनूब इल्ला अंत। दवारियाँ जी, बाला दवारियाँ, वो बाएं दवारियाँ से ये भी दवारियाँ हैं, ये बाला दवारियाँ हैं। बाला बी से है, बे से, हाँ, बाला दवारियाँ। ये मस्जिद है हमारे सामने। ये भी उन एक मार्केट है छोटी मोटी, बाला दवारिया है, बाला दवारिया की छोटी मार्केट है। बैठक ए मोटरसाइकिल भैया और मोटरसाइकिल वाले भाई। जो अभी आपने वीडियो बनाई ना शाहिद भाई, वो और ये सब कटिंग करके करके सही हो गया। हाँ, वो उसको हम कंप्यूटर के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, आप देख रहे हैं लॉयर्स टीवी। अल्लाह ताला के फजल व करम से और उसकी मेहरबानी से अभी हम सुबह जा रहे हैं कश्मीर की साइड। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, हफ्ते का दिन है, और आप देख सकते हैं सामने पहाड़ी पे बर्फ़, उसके मनाजिर की बहुत प्यारा मंजर है। रात बारिश भी हुई, ओले भी पड़े, हमने वो भी देखने को मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत बरसी। अभी देखें यहाँ गीला गीला है और सामने आप देख सकते हैं बर्फ़ है। सामने भी बर्फ है। सुभान अल्लाह, उधर सामने भी बर्फ है। बेहतरीन मनाजिर है यहाँ पे, माशाल्लाह। पत्थरों में कुछ ऐसे अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर फरमाया व इन्न मिनहा लमा यशक़क़ु फ़यख़रुजु मिनहुल मा। और पत्थरों में से कुछ पत्थर ऐसे हैं जो फट पड़ते हैं और उनसे पानी जारी हो जाता है। और हम यहाँ देख रहे हैं ऐसे ऐसे पत्थर हैं, उसमें से पानी फूट रहा है। शाहिद भाई जी जी, आपने कहा चालान होता है यहाँ जी जी, और चालान की बुनियाद वो ये कहते हैं कि जी स्पेशल पास लेके आओ, स्पेशल पास लेके आओ। वो स्पेशल पास क्या है? स्पेशल पास वो आरटी सेक्रेटरी के दफ्तर में जाना पड़ता है। कौन सी सेक्रेटरी? आरटी सेक्रेटरी, जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होता है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिस में जाना पड़ता है। ये कहाँ पे है? वहाँ से, इस्लामाबाद से। यानी कि हर शहर में ये होता है ना, हर शहर के अपने अपने दफ्तर होते हैं, लेकिन जैसे ये नहीं हो सकता कि हमें एक हफ्ता पहले कंफर्म नहीं हो सकता है कि फलाने, हमें तो अचानक पता चलता है कि जी सुबह आपने ड्यूटी पे जाना है, तो हम ऐसे ही निकल आते हैं। और ये इनको कोई और रीज़न नहीं है, ये सिर्फ ये कहते हैं कि जी आपके पास स्पेशल पास नहीं है, बस इस वजह से ये चलान है। और वो स्पेशल पास जो है अथॉरिटी से कितने दिन लगते हैं मिलने में? वो अगर हफ्ता पहले आपको पता है कि जी क्लाइंट आ रहा है तो वो जाके, फीस भी इतनी नहीं है, 200-300 रुपया वो लेते हैं, तो वो देते हैं। जहाँ जहाँ आप जाएंगे वो उधर ले के स्टैम्प दे के वो देते हैं। तो आप ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट से आप ये गुजारिश करें कि गवर्नमेंट जो है उसी वक्त ऑनलाइन या उसी वक्त आपको लाइसेंस मिल जाए? नहीं करते, ये नहीं करते। मगर ये तो सरकार के ऊपर है ना कि सरकार नहीं करते ना, आसानी पैदा करे, ये नहीं करते। सुभान अल्लाह, आगे बढ़िए, रुकेंगे आगे। हाँ, ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो ये पहली मंजिल है। सैय्या आज़ाद को दिल की ठाह गहराइयों से खुश आमदेद कहते हैं। हम कागान में दाखिल हो चुके हैं। ये क्या करना है? ये चल वो चेक कर रहे हैं कोरोना। अस्सलाम वालेकुम। कराची तो आए कस्टमर का कोई इमरजेंसी नंबर सर बता दें आप। नंबर बताओ जी। KDA कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। जी जी सर ठीक है। हाँ 0331 759 1518। टोटल कितने फ्रॉड हैं सर? हम 7 हैं। बहुत शुक्रिया सर। एक छोटा सा सवाल है कि ये आपने जो कवायद हमसे लिए, इसका क्या मकसद है? ताकि हम जरूरत पड़ जाती है, खुदा ना करे कोई हादसा हो जाए, अल्लाह बचाए। हाँ ये मालूम कर रहे हैं। अच्छा, ये कानूनी तकाजा है। अल्लाह ताला खुश रखे और इसी तरह कानून पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि सर मरी में जो हादसा हुआ आपने देखा ही है, उसके मुतालिक ये बात कर रहे थे कि हमारे लोग मदद करने के बजाय अब्यूज कर रहे थे, यानी उन लोगों को तंग कर रहे थे। अभी भी कर रहे हैं। लोग आते हैं, भाग जाते हैं। दुनिया का एक निजाम है, अल्लाह ने बनाया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो फिर हम उसका नॉन स्टॉप लिख देते हैं ना, फिर अगर कोई मसला अल्लाह कर देता है, आपको बास का पता भी नहीं। जुल्म करोगे तो जुल्म सहोगे। पैसे देते हैं, हम कहते हैं कि पैसे हम नहीं लेते यार, पैसों के लिए। अल्लाह खुश रखे, गुड लक, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे पलाकोट एंड हो रहा है, अभी ये दरिया कनार चल रहा है, हम अभी सामने से ऊपर जाएंगे शोगरा की तरफ। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ये क्या है? ये दरिया कनार है, पलाकोट एंड हो रहा है, दरिया कनार। अभी हम शोगरा पलाकोट सिटी एंड कर रहे हैं, शोगरा जा रहे हैं अभी। अब हम शोगरा में पहुँच जाएंगे। सुभान अल्लाह, वाह, मजा आ गया। बालाकोट खत्म और ये हम हाइट पे जाएंगे ऊपर। माशाल्लाह, अगर वो बालाकोट खत्म हो तो ये कौन सा एरिया? ये शोगरा शुरू हो गया ना। हाँ जी, इतना करीब है एक दूसरे से, बस घंटा सवा घंटा लगेगा। सुभान अल्लाह, सिर्फ महाना 15 हज़ार। क्या बिलाल, ओए हो, क्या जबरदस्त! देखिए ये बालाकोट है ना, जो तस्वीर नजर आ रही है, बालाकोट। ये सब गाड़ियाँ कराची में नहीं आती यानी हाँ ये सब ये वाली पहाड़ी इलाके में होती है, पहाड़ी इलाके की है, ये 4x4 होती है ना। अच्छा 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 अच्छा, ये मोहल्ला भी है, यहाँ स्कूल बच्चे भी नजर आ रहे हैं। वैली दूर जब बारिश होती होगी तो यहाँ के लोगों को क्या है, इसी में जीते। आदि हो गया। अच्छा ये चालान वाले हैं। अच्छा ये पुलिस वाले चालान कर दिया। फिलहाल हाँ खैरियत, फिलहाल हमारी बचत हो गई है। कैसे इधर रोकते हैं गाड़ियों को, करते हैं यहाँ 1000 रुपए का चालान। ओह माय गॉड, क्यों? बस करते हैं, कह रहे स्पेशल पास लेके आओ, परमिट लेके आओ। सिर्फ एक कश्मीर में चले जाओ ना, टूरिज्म का कोई चलान नहीं है, बकाया हर जगह पे चलान है। नादरन एरिया में कोई कश्मीर में अलावा ही नहीं है चलान टूरिज्म को, यानी टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है। हाँ जी, नीलम वैली में, नीलम वैली में। तो ये चालान जो है ये खामखा का चालान है ना, फिर बस खामखा कह रहा है जी स्पेशल पास लेके आओ।